अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लूसेंट की बुक को कवर करेंगे। एंड आप लोग को ये पता ही होगा कि लूसेंट बुक किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हो या आपके घर में कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हेलो लर्नर्स, मैं पूजा मिश्रा आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बात करें हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की, तो यह वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी यानी लिविंग बींग्स। हम बायोलॉजी की बात करें तो इस वर्ड की ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, मतलब ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो हम देखें बायो यानी बायो का मतलब होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस की बात करें तो इसका मतलब होता है अध्ययन या स्टडी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, बायो यानी लाइफ एंड सेकेंड लोगोस यानी अध्ययन, मतलब यह वर्ड हुआ जीवन का अध्ययन। जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम देखें जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क जो कि फ्रांस के थे एंड ट्रेविर्नस जो कि जर्मनी थी, इन दोनों साइंटिस्ट ने वैज्ञानिक ने मिलकर इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में किया था। अब हम देख लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा कौन सा शाखा है, एपिकल्चर, यानी जिसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं, एपिकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेकंड है, दूसरा है सेरीकल्चर जिसमें हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। थर्ड पीसी कल्चर यानी जिसमें हम किस बात का अध्ययन करते हैं, मत्स्य पालन, यानी मत्स्य पालन का अध्ययन हम किस में करते हैं, पीसी कल्चर में। थर्ड फाइकोलॉजी यानी इसमें हम अध्ययन करते हैं शैवालों का। एंथोलॉजी, इसमें हम अध्ययन करते हैं पुष्पों का या फ्लावर्स का, फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी यानी जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। देन ऑर्निथोलॉजी यानी जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा है इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मछलियों के पालन का अध्ययन करते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं पीसी कल्चर और इक्थोलॉजी में, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीसी कल्चर में हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, वहीं इक्थोलॉजी में हम मछलियों के पालन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम कीटों के यानी इंसेक्ट्स के अध्ययन की बात करते हैं। उसके बाद हमारा है डेंड्रोलॉजी जिसमें हम वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी क्या है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों या झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। देन हमारा है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में हम सर्प यानी स्नेक्स की स्टडी करते हैं। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड सेरोलॉजी। देन सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम कास्टी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर में हम कोस्टी पेड़ों का संवर्धन करते हैं। देन आफ्टर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान विज्ञान यानी जो हमारा गार्डन होता है उसकी स्टडी करते हैं। देन आफ्टर फ्लोरिकल्चर जिसमें हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट
ब्रांचेस थे बायोलॉजी का, जिसके नाम को जानना आपके लिए ज़रूरी था। ये वन लाइनर क्वेश्चंस बन के आते हैं, मतलब एमसीक्यूज बनकर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम में देखा गया है इनमें से कोई एक ज़रूर होता है। इनकी स्टडी काफ़ी डीप में की जाती है, बट आपके लिए बस इनका नाम जानना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख लें जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किसने किया था। अगर हम बात करें इसकी तो किसने किया था, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में, एक सीरीज़ के रूप में ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने किया था अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने 384 से लेकर 322 BC के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषयों में अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए हम क्या कहते हैं अरस्तु को, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। साथ ही इन्हें ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर दोनों में अरस्तु यानी एरिस्टोटल ही हो जाएगा। इन्हें हम इतना इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी में क्यों मानते हैं, क्योंकि यही थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों में अपने विचार प्रकट किए थे। तो यहाँ से आपको इस टॉपिक में याद रखने लायक कुछ इम्पॉर्टेंट बात हैं। सबसे फर्स्ट, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग यानी यह किन वर्ड से मिलके बना है, तो ये बायो और लोगोस से मिलके बना है, जिसमें बायो यानी जीवन एंड लोगोस यानी अध्ययन। नेक्स्ट, हमारा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविनस ने। साथ ही एरिस्टोटल भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ जीवधारियों का वर्गीकरण। इससे पहले हम बायोलॉजी की ओवरव्यू ले रहे थे। जीवधारियों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। हमने देखा कि अरस्तु ने सारे ही जीवों को दो भागों में विभाजित कर दिया है, दैट इज़ जंतु समूह और वनस्पति समूह में। लीनियस ने, हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आ जाते हैं लीनियस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में, दैट इज़ किंगडम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पादप जगत यानी प्लांट किंगडम एंड सेकेंड जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। यहाँ से हमें दो साइंटिस्ट के बारे में पता चला, अरिस्टोटल, जिन्होंने क्या किया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे पूछा जाए अरिस्टोटल ने क्या किया था, तो उन्होंने जंतु समूह और वनस्पति समूह को अलग अलग किया था, विभाजित किया था। वहीं उसके बाद कौन है, लीनियस, इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी, दैट इज़ सिस्टमा नेचुरा, एंड उसमें उन्होंने इन सबको एक नाम दे दिया, दैट इज़ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, यानी आधुनिक वर्गीकरण के पिता हम किसे कह सकते हैं, हम आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लीनियस को कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही ये प्रणाली शुरू की, कौन सी, जीवों को पादप जगत और जंतु जगत में बांटने की। आगे हम देखें जीवधारियों को पांच जगत में वर्गीकरण यानी वर्गीकृत किया गया है, दैट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। हम देखते हैं कि इससे पहले लीनियस ने क्या किया था, उन्होंने दो किंगडम्स में बांटा था, दैट इज़ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बट
वही हम बात करें। अब कौन आए? अब हमारे विटिकर आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कन्वर्ट कर दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, यानी पांच जगत प्रणाली में। कब किया? 1969 में। तो यहाँ से हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पता चली कि अरिस्टोटल ने दो समूह में विभाजित किया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। उसके बाद आए लीनियस, इन्होंने एक बुक लिख दी सिस्टमा नेचरा, जिसमें इन्होंने इन दो समूह का नाम रखा, दैट इज पादप जगत और जंतु जगत। फिर हम इनको कहने लग गए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी और या आधुनिक वर्गीकरण के पिता, क्योंकि इन्होंने द्विजगत प्रणाली शुरू की। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए विटेकर। इन्होंने क्या किया? इस द्विजगत वर्गीकरण को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया पांच जगत प्रणाली में। कब? 1969 में। तो यहाँ तक हम यह समझे। अब हम देख लें वो पांच जगत फाइव किंगडम कौन कौन से थे। तो अगर हम देखें हमारे वर्गीकृत किए गए वह कौन कौन से जगत हैं, तो सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप या प्लांटी, चौथा कवक या फंजाई, पांचवा जंतु या एनिमल। इसमें से हम देखें तो हमारा पादप और जंतु तो पहले से था, उन्होंने ऐड क्या किया? जोड़ा कौन कौन सा? मोनेरा, कवक और प्रोटिस्टा। तो यह किन्होंने दिया? विटेकर ने 1969 में। आगे हम देख लें। अब हम इन सारे जगत को एक एक करके देखें तो हम क्या देखते हैं? मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, इसे भी हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो मोनेरा, इस जगत में कौन कौन रहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में रहते हैं। उसके बाद हम देखें प्रोटिस्टा को। अगर देखें तो इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्राय जलीय यानी एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के स्थित के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। यहाँ से आपको ये इम्पॉर्ट बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। कौन सा? युगलीना। युगलीना की हम बात करें तो इसे ना ही हम जंतु जगत में रख सकते हैं, ना ही पादप जगत में। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो हम अगर देखें प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय पाए जाते हैं, प्रायः एक कोशिकियों में भी जलीय यूकैरियोटिक जीव, साथ ही युगलीना भी इसी में पाए जाते हैं। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। कौन? प्रोटिस्टा। पहला सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। कैसे प्रोटोजोआ आते हैं? वैसे जो सूर्य के प्रकाश में भी रह लेते हैं, स्वपोषित यानी खुद से अपना भोजन तैयार करना, वहीं प्रकाश के अभाव में वो इतर पोषित यानी अब जो दूसरे जीवधारी होते हैं उन पर ये डिपेंड हो जाते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखें पादप की बात करें तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। हम चौथा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को देखें
तो कवक की बात करें यानी फंजाई, तो इस जगत में वैसे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। यह सभी इतर पोषी होती है, मतलब कवक यानी फंजाई में कौन आते हैं? परपोषित। परपोषित मतलब जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। पर मतलब दूसरा, पोषित मतलब पोषण के लिए, पोषण यानी भोजन। जिनमें अवशोषण, अवशोषण मतलब अवशोषित करते हैं व ले लेते हैं पोषण दूसरों से, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? इतर पोषी। वही बात है, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी भी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर डिपेंड रहना, मृतोपजीवी मतलब मरे हुए जीवों से अपना खाना लेना। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला क्लासिफिकेशन हम देखें तो जंतु, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी होलोजोई यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, क्रीमी सितारा मछली, सरीसृप उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे 5 क्लासिफिकेशन थे जिसको हमने देखा। अब हम बात करें जीवों के नामकरण पद्धति की, तो यह क्या है। इसके बाद बात आई नोट में, एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद रखना, जीव वर्गीकरण की आधारभूत इकाई को, यानी जो आधारभूत इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। अब हम अगर देखें जीवों के नामकरण की पद्धति को, तो 1753 में कैरलॉस लीनियस ने नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें हम वर्गीकी का जन्मदाता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, उन्होंने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम या जेनेरिक नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम या स्पीसीज नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नाम के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति की खोज या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो होमो सेपियंस लिन कहते हैं। क्यों? होमो तो हो गया इसका कौन सा, जेनेरिक या वंश नाम, सेपियंस स्पीसीज नाम, एंड लिन यानी लीनियस, क्योंकि लीनियस ने इसको खोजा था। वास्तव में होमो उसका वंश नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस के लिए है, वही बात है, संक्षिप्त में उसको लिन लिखा गया। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था, इसलिए हम लीनियस को क्रेडिट देने के लिए उनका नाम इसके साथ अंत में जोड़ते हैं। अब हम कुछ जीवधारी को नाम देख लें, तो सबसे पहले मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। मेढक या फ्रॉग, राना टिग्राना, बिल्ली या कैट, फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता डॉग, कैनिस फैमिलारिस, काउ या गाय, बोस इंडिकस, मक्खी या हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, आम या मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, धान या राइस, ओराइजा सटाइवा, गेहूं या वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, मटर या पी पीसम सटाइवम, चना या ग्राम, साइसर एरिटेनियम, सरसों या मस्टर्ड, ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट किया। पहले हमने ओवरव्यू देखा, साथ ही जीवों का वर्गीकरण हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसको हमने
कवर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो से मैं उसका ध्यान रखूँगी एंड ये वीडियो की सीरीज़ चलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ में इसको शेयर भी ज़रूर करिए।